हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी है इवनिंग का टाइम और मैं हूँ छत पे आई थी और मौसम कुछ ऐसा है, देखिए बारिश होने लगी। मुझे लगा बारिश नहीं हो रही होगी पर हल्की हल्की बारिश होने लगी है। और इवनिंग के टाइम थोड़ा बच्चों को लेके आ जाती हूँ छत पे, टहल लेती हूँ थोड़ा मैं भी, और बच्चे थोड़ा अपना खेल लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, इसलिए मैं बच्चों को लेके आई थी। पर यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, अभी थोड़ी थोड़ी है, वैसे थोड़ी देर रुकते हैं, अगर रुक गई तो टहलेंगे, नहीं तो जाएंगे नीचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ज़रूर। और आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। अभी कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत घर के काम करके आई हूँ छत पे, कपड़े वगैरह फोल्ड करे, और बाकी अभी काम कुछ भी नहीं हुआ। चाय का ग्लास भी मैं अपना छत पे ही लेके आई हूँ, वो रखा है। चाय में ज़्यादातर शाम की छत पे ही पीती हूँ, अगर हस्बैंड आ जाते हैं तो घर में पीते हैं साथ में, पर हस्बैंड लेट आते हैं तो फिर मैं छत पे ही लेके आ जाती हूँ। बच्चे खेल लेते हैं और मैं टहलते टहलते चाय भी पी लेती हूँ। तो फिर नीचे चलते हैं और दिखाऊंगी आपको क्या बन रहा है डिनर में, आपके साथ शेयर करूंगी अपना इवनिंग रूटीन। तो आधा घंटा करीब बच्चों ने छत पे खेला और अब मैं आ गई हूँ उनको लेके नीचे, क्योंकि आज से मैंने अपनी बेटी का ट्यूशन ज्वाइन करवाया है और उसको जाना है ट्यूशन। उसको 5 बजे जाना था बट थोड़ा लेट हो गया, तो मैं 5:30 से छोड़ूंगी। अब वो ट्यूशन जाएगी और जल्दी से उसको रेडी कर लेती हूँ ट्यूशन के लिए। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है ट्यूशन भी, आजकल कोविड भी थोड़ा कम है तो डाल दिया मैंने इसी वजह से, क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं और इसी वजह से पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का। तो मैंने सोचा ट्यूशन डाल देती हूँ, और मैंने अपने हमारी गली में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पास ही है, और वहाँ कोई आता भी नहीं और बच्चे कोई है नहीं, तो मैंने डाल दिया। ज़्यादा भीड़ भाड़ में डालने में भी डर लग रहा है, इसलिए मैंने डाला नहीं कहीं। और अब मैं फटाफट से इसका बैग रेडी कर देती हूँ। तो मैम का कॉल आया था कि आज आप सारी बुक्स दे देना, तो मैं उसका बैग जल्दी से रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद उसको ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। मैंने आज मॉर्निंग में बेड शीट अपनी धोई हुई थी, तो मैंने मॉर्निंग से बिछाई नहीं, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से ना पूरा घर में चिपचिपाहट सी फील होती है और थोड़ा हवा भी लगनी ज़रूरी हो जाती है इन गद्दों में। मैंने इनको पलट दिया था मॉर्निंग में, थोड़ा देर मैंने इस साइड हवा लगने दी और फिर मैंने इनको पलट दिया था ताकि दोनों तरफ से इनको फ़ैन की हवा मिल जाए तो थोड़ा सा ठीक हो। आज मौसम थोड़ा ठीक था, देहरादून में बारिश नहीं थी, तो मैंने इस वजह से थोड़ा ऐसे ही खुला छोड़ दिया ताकि थोड़ा बाहर की भी हवा मिल जाए, और इसलिए मैंने बेडशीट बिछाई भी नहीं थी। और अब मैं फटाफट से बेडशीट बिछा लूँगी, जब तक बेटी ट्यूशन में है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ होते हैं ना तो फिर इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। अभी अक्रिस अकेले है तो वो अपना आराम से खेल रहा है। आज मैंने कपड़े भी बहुत सारे वॉश करे थे, क्योंकि आज धूप थी तो थोड़ा मौका मिल गया कपड़े धोने का। बारिश की वजह से ना कपड़े भी वैसी मशीन में बहुत सारे हो जाते हैं और फिर उनको धोने का टाइम नहीं मिल पाता, घर में सूखते भी नहीं है अच्छे से। वैसे तो मैं एक रूम में एक तार बांध के सुखा देती हूँ, पर फिर भी जैसे धूप से सूखते हैं ना वैसे नहीं सूख पाते। और यहाँ पर अक्रिस ने ना अपने डैडी की टी शर्ट पहनी हुई है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, अपने डैडी के टी शर्ट वगैरह पहन लेता है वो घर में,
और उनकी नकल करता है, जैसे ऑफिस जाते हैं वो और फोन पर बात करते हैं वैसे ही करता रहता है खुद भी अकेले अकेले। और यहाँ पर देखो उसको, अब उनकी टी शर्ट पहन के इतना खुश हो गया था ये, डांस करने लगा है। अभी मैं आई हूँ बिट्टू को ट्यूशन छोड़ के, और आज से उसका ट्यूशन ज्वाइन कराया हमने। तो अभी मैं छोड़ के आई 5:30 से छोड़ के आई हूँ मैं। थोड़ा देर ही ले गई थी छत पे, उसके बाद हम नीचे आए और मैंने उसको फटाफट से रेडी किया और मैं उसको ट्यूशन छोड़ के आ गई। और अक्रिस को लग रहा है उसके बिना बुरा, अकेले बैठा हुआ है तो बोर हो रहा है अकेले, और उसने बोला मम्मा मुझे बिस्किट खाना है, तो मैंने उसको थोड़ा सा दूध और थोड़ा बिस्किट दे दिया, वो खा रहा है उसको। अभी मैं करूंगी डिनर की तैयारी, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, आज भी लेट हो गए, देखो कब तक आते हैं, फिर देखो डिनर क्या बनता है। बचपन के प्यार में भूल नहीं जाना रे, जैसे मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन के प्यार में भूल नहीं जाना रे, जैसे मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन के प्यार में भूल नहीं जाना रे, जैसे मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन के प्यार में। मैं आज रागी का आटा जो होता है हमारे उसमें, उसको मडवे का आटा बोलते हैं, और गेहूं का आटा, मैं इन दोनों को मिक्स करके, ये गेहूं का आटा है, ये देखिए वाइट है ना, ये गेहूं का आटा है, और इसमें मैंने रागी का आटा डाल दिया, मतलब जिसको हम मडवे का आटा बोलते हैं वो मैंने इसमें अलग से रखा हुआ है मडवे का आटा। तो मैं मडवे की रोटी हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो हम इसी को ज़्यादा खाते हैं, और आज मैं इन दोनों की मिक्स करके रोटी बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है इनकी मिक्स करके रोटी। आप लोग देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इनकी रोटी, इन दोनों को मिक्स करके हम बराबर क्वांटिटी में डाल लेंगे, और अब मैं इसको अच्छे से पानी से गूंथ लूँगी, उसके बाद हम इसकी रोटियाँ बनाना शुरू करेंगे। आटा मैंने गूंथ के रख लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। आटा गूंथने के लिए हमें इसमें ना ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी गिर गया ना तो ये गीला हो जाएगा, तो इसकी रोटी ढंग से बन नहीं पाती है। तो मैं आटा मैंने गूंथ के रख लिया और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। रोटियाँ हम नॉर्मली बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं पहले, मम्मी लोग तो गांव में ना इसकी रोटियाँ हाथ से ही बना लेते थे, वो बेलन चकला का यूज़ नहीं करते थे, पर मेरे को तो आता नहीं है, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी जैसे मैं और टाइम बनाती हूँ रोटियाँ। फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, और अगर हमें वेट लॉस करना है ना तो वेट लॉस के लिए इसकी रोटियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, इससे ज़्यादा हमें फैट नहीं बढ़ता हमारा और वेट लॉस होता है बहुत अच्छा खासा। और रोटियां भी देखिए कितनी अच्छी बन रही है, एकदम फुली फुली सी।
इसमें हम घी जरूर लगाएंगे, घी के साथ ये रोटी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने रोटियां बना ली हैं, अब मैं गरम गरम रोटियों में फटाफट से घी लगा लेती हूँ। खाना मेरा है बिल्कुल रेडी। दाल मैंने आज दाल बनाई हुई है, काली मसूर की दाल, रोटी के साथ मुझे बहुत पसंद है काली मसूर, और मेरे घर में सबको पसंद है, मेरे बच्चों को भी, हस्बैंड को भी। तो मैंने काली मसूर बनाई है लोहे की कढ़ाई में, उसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा सा, बिट्टू ने अपना काम कर लिया स्कूल का, अब मैं इसको कराऊंगी थोड़ी देर रीडिंग। रीडिंग कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हिंदी या इंग्लिश, कभी मैं हिंदी की करा देती हूँ, कभी इंग्लिश की करा देती हूँ। अगर रीडिंग ना कराओ तो ये 2-3 दिन बाद सब भूलने लगती है, मतलब इसकी रीडिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो बीच बीच में रीडिंग में इसको थोड़ा, मतलब थोड़ा आधा घंटा करीब मैं इसको रीडिंग डेली कराती हूँ काम करने के बाद स्कूल का। इसने अपना होमवर्क वगैरह सारा कर लिया है, अब मैं इसको थोड़ी देर रीडिंग कराऊँगी और फिर खाएंगे हम खाना। अभी खाना खाने में थोड़ा टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं, तो 8:30 बजे तक मैं इसको आधा घंटा तो रीडिंग कराऊंगी कराऊंगी और उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। अक्रिस क्या कर रहे हो आप? तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का भी एंड करूंगी। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया हो, अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। अब मैं आपको मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।